यार आज ना मेरे पास क्रिकेट की चार अपडेट है, लेकिन यार हमारी जो विमेन्स टीम है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने हमें 5 रनों से हरा दिया है, लेकिन मैं यार अपनी टीम की ना फाइटिंग स्पिरिट की दाद देना चाहूंगा। मतलब यार उन्होंने अच्छा संघर्ष किया, और सही बताऊं मुझे ये जो वर्ल्ड कप था ना वो 2019 के वर्ल्ड कप की याद दिला रहा था। बताए जैसे मतलब 2019 के सेमीफाइनल में हमारा जो टॉप ऑर्डर था वो फेल कर गया था, उसके बाद फिर हमारे मिडिल ऑर्डर ने संभाला टीम को, और लास्ट में MS धोनी का वो हार्ट ब्रेकिंग वाला रन आउट हुआ था। सेम इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पहले का जो टॉप ऑर्डर था वो मतलब यार कुछ खास कर दी पाया, मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा खेला, लास्ट में हरमनप्रीत कौर का वो ब्रेक हार्ट वाला रन आउट। यार मतलब कब ये सेमीफाइनल में हारना हमारा पीछा छोड़ेगा यार। लेकिन फिर भी मतलब मैं कहना चाहूंगा हमारी विमेन्स टीम ने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, डेफिनेटली आपको भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब जो आज की पहली अपडेट है ना वो है हैरी ब्रुक के बारे में। मतलब यार क्या बंदा है भाई गॉड यार, मतलब जो खेल रहा है ना, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, अगर आप लोग नहीं देख रहे हो तो यार फॉलो करना, बहुत मतलब तगड़ा मैच हो रहा है इनका। अब जो पिच है ना वो पूरी हरी वाली थी, मतलब यार बाउंस थी पिच में, टिपिकल ग्रीन पिच थी, जहां पर कोई इंग्लैंड के 3 विकेट सिर्फ 21 रन में गिर गए थे। 21 पे 3 था स्कोर। उसके बाद कौन आया पता है? जो रूट, और उसके बाद कौन आया पता है? हैरी ब्रुक। ये दोनों खेल रहे थे, हैरी ब्रुक ने यहां से सिर्फ 107 बॉलों में 100 मार दी। भाई व्हाट अ प्लेयर यार, ये जिस फॉर्म में है ना सही में, मतलब यार पहले देखो पाकिस्तान में गया था, वहां तो चलो फिर भी कंसिडर कर सकते हो तुम, फ्लैट पिचेस होती हैं, तो वहां पर को उसने जो मतलब शतक मारे हैं उसके बारे में आप थोड़ा बोल सकते हो कि यार फ्लैट पिच में बनाए थे करके, लेकिन भाई आज तो ग्रीन टॉपिंग थी। वहां पर कोई इतना अच्छा खेल गया, 186 के आसपास खेल रहा है शायद ये। तो यार मैं कहना चाहूंगा हैरी ब्रुक डेफिनेटली मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में ना नेक्स्ट बिग सुपरस्टार होने वाला है। स्टीव स्मिथ ने भी इसे ही चुना है, ऑल्दो मैं कहना चाहूंगा शुभमन गिल भी उसी कैटेगरी में आता है, उसे चांस नहीं मिल रहे हैं। अब चांस क्यों नहीं मिल रहे हैं तो आप लोगों को पता हो गई। लेकिन यार हैरी ब्रुक ना 9 इनिंग्स में, टेस्ट की सिर्फ 9 इनिंग्स में 800 रन बनाने वाला पहला प्लेयर बन गया, और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला प्लेयर भी बन जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये मतलब यार ज्यादा इनिंग्स नहीं लगेंगी इसे, 2-3 इनिंग्स और लगेगी। लेकिन इस बंदे ने ना बाबर आजम का एक बहुत मतलब बड़ा रिकॉर्ड, तो क्या कहूंगा छोटा मोटा रिकॉर्ड है, इतनी कम इनिंग्स में तोड़ दिया। आप लोगों को पता है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, थोड़ा फनी टाइप का है, लेकिन यार डेफिनेटली रिसर्च करो और नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है इसने बाबर आजम का। अब जो आज की दूसरी अपडेट है वो है ऑस्ट्रेलियन कैंप की तरफ से, जहां पर को पैट कमिंस ऑफ इंडिया बस नहीं आने वाले हैं, तो जो तीसरा टेस्ट है ना वहां पर को स्टीव स्मिथ कैप्टेंसी करने वाले हैं। और यार मैं कहना चाहूंगा एक अच्छा मूव भी है। देखो मतलब सिचुएशन ऐसी थी, पैट कमिंस की माताजी थोड़ा यार बीमार हैं, तो वो मतलब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इंडिया वापस नहीं आ रहे हैं, वो मतलब अपने घर में ही रहना चाहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, जो कि अच्छा स्टेप भी है। लेकिन शायद मतलब उनका नहीं आना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, क्योंकि स्टीव स्मिथ अब कैप्टेंसी करने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि पैट कमिंस नहीं खेलेगा तो कोई दूसरा बॉलर भी आ सकता है, जैसे मिचेल स्टार्क है वो वापस आएगा ही डेफिनेटली, कैमरून गिन भी फिट हो गया तो वो भी खेलेगा। तो यार मतलब मुझे लग रहा है ना स्टीव स्मिथ ज्यादा बेहतर कैप्टन साबित हो सकता है। तो आप लोग नीचे बताओ क्या आप तीसरे टेस्ट के लिए एक्साइटेड हो। आज की जो तीसरी अपडेट है ना वो है कपिल देव के बारे में, जिन्होंने मतलब यार रोहित शर्मा को थोड़ा सुना रखा है। उनके अकॉर्डिंग ना रोहित शर्मा बहुत कमाल का प्लेयर है, मतलब यार बहुत ही अच्छा प्लेयर है, लेकिन जब भी मैं उसे टीवी में देखता हूँ ना तो वो यार मुझे ओवरवेट लगता है। आपको भी रोहित शर्मा ओवरवेट लगता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन हाँ यार उन्होंने मतलब यार बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है रोहित शर्मा को, उनके अकॉर्डिंग यार मतलब तुम कैप्टन हो, लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हो, तो मतलब अगर तुम इतने ज्यादा ओवरवेट दिखोगे तो यार जो यंगस्टर्स होंगे मतलब यार वो भी मतलब तुम्हें ही फॉलो करने वाले हैं। यार मतलब एक अच्छा एग्जांपल सेट नहीं कर रहे हो, तो उन्हें मतलब अपनी फिटनेस में काम करने की जरूरत है, ऐसा कहना है कपिल देव का। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन चाहिए वेट लूज करने के लिए या फिर मतलब फिट होने के लिए, तो यार विराट कोहली की तरफ देखो, तुम्हारा मतलब यार भाई जैसा है वो इतना फिट टाइप का है। तो यार आपको क्या लगता है रोहित शर्मा क्या ओवरवेट है, क्या उन्हें मतलब अपनी फिटनेस में भी काम करने की जरूरत है? क्योंकि डेफिनेटली प्लेयर तो यार मतलब मिस्टर फैंटास्टिक है, वो कैप्टन भी मिस्टर फैंटास्टिक है, लेकिन सही में मुझे भी लगता है कि रोहित शर्मा को ना थोड़ा बहुत यार फिटनेस में काम करना चाहिए सही में। अब आज की जो चौथी अपडेट है वो है इंडियन पिचेस को लेके। मतलब यार पहले दो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मैच जिस ग्राउंड में हुए थे उनकी पिचेस को मतलब यार ICC ने एवरेज रेटिंग दे रखी है। इसका मतलब है पिच ठीक ठाक थी, मतलब ज्यादा गंदी भी नहीं थी, इनका ये कहने का मतलब है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा यार एवरेज रेटिंग यार मुझे तो लगा बहुत ही अच्छी पिच थी यार सही में। मतलब अब हमारी गलती है, ऑस्ट्रेलिया वाले खेल नहीं पा रहे हैं, हमारे प्लेयर्स ने तो अच्छा खेला ठीक है, हमारा भी टॉप ऑर्डर नहीं खेल पाया, लेकिन यार हमारा लोअर ऑर्डर ने तो उतनी अच्छी बैटिंग भी की थी उस पिच में, बोलिंग तो खैर चलो मतलब यार हम लोगों ने स्पिनिंग ट्रैक बनाया आप लोग बोल सकते हो, लेकिन जब हमारे बैट्समैन वहां पर को अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो यार मतलब एवरेज तो यार फिर भी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि इन लोगों ने बहुत गंदी रेटिंग दी है। मुझे लग रहा था ये मतलब नॉर्मल होनी चाहिए थी यार रेटिंग, ये एवरेज नहीं होनी चाहिए थी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये जो हमारी पिचे थी वो एवरेज लाइक थी या फिर मतलब नॉर्मल थी, क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं खेल पाए इसलिए मतलब इन लोगों ने ऐसी दी थी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज की जो वीडियो है ना वो बस इतनी है, होप आपको पसंद आई होगी।